भगवान बुद्ध जी के त्रिविधि पावन जन्मदिन, ज्ञान प्राप्ति महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड मुख्यालय ने सरायकाजी मुरादाबाद में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी की अध्यक्षता रूप सिंह भारती प्रांतीय अध्यक्ष ने की एवं संचालन एडवोकेट राजकुमार गौतम प्रांतीय महासचिव ने किया। गोष्ठी का शुभारंभ श्रद्धेय राजपाल सिंह प्रवक्ता चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद द्वारा बुद्ध वंदना से किया गया। सभी पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर बुद्ध वंदना में हिस्सा लिया। पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय वीर सिंह ने सभी पदाधिकारियों व क्षेत्रवासियों को त्रिविधि पावन के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने पर बल दिया। प्रांतीय कोषाध्यक्ष वंश बहादुर ने कहा, तथागत बुद्ध का मार्ग न्याय बंधुत्व स्वतंत्रता और समता पर आधारित मार्ग है, जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण समाहित है। अध्यक्षता करते हुए रूप सिंह भारती ने कहा, तथागत बुद्ध की शिक्षाएं एवं विचार भारत के संविधान में प्रतिबंधित होते हैं, जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही कुशलता एवं सजगता से समाहित किया है। आज विश्व में भारत की पहचान तथागत बुद्ध और उनके विचारों से ही है। संरक्षक रामचंद्र सागर ने सभी का धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में वीर सिंह, वीआर सागर, आरपी सिंह, कुलदीप सागर, कमलेश सागर, काजल सागर आदि उपस्थित रहे। मैं रूप सिंह भारती, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी। आज डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी के मुख्यालय सरायकाजी में डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी की ओर से भगवान बुद्ध की 2566वीं जन्म उत्सव जयंती का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। और सरायकाजी मोहल्ले में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें कमेटी के संरक्षक श्रद्धेय रामचंद्र सागर जी और मैं प्रांतीय अध्यक्ष रूप सिंह भारती, वंश बहादुर जी, पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय वीर सिंह जी, चंद्रपाल सिंह जी, श्री सीपी सिंह जी, बीआर सागर जी और आरपी सिंह जी आदि तमाम सारे पदाधिकारी हैं, मौजूद हैं। और आज ये बुद्ध जयंती का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, इसमें जो है सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और विचार गोष्ठी में खास तौर से इस बात पर बहुत ही मंथन हुआ है कि ये एक अकेले ऐसे महामानव महापुरुष भगवान बुद्ध हुए हैं, जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि इसी दिन इनका जन्म हुआ था, इसी दिन इनका जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनका परिनिर्वाण भी हुआ था। तो एक महत्वपूर्ण तिथि है जिसको भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इनके विचारों को प्रचारित प्रसारित करके उनको अपनाने का संकल्प लिया जाता है। इतिहास गवाह है कि भगवान बुद्ध के विचारों को अपना कर सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में आपके विचारों को बहुत दूर दूर तक फैलाया और कालांतर में भगवान बुद्ध जो है लाइट ऑफ एशिया के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इसी विचारधारा को लेकर कमेटी के द्वारा आज ये आयोजन किया गया है। हम सब ने ये संकल्प लिया है कि हम भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेंगे और दूसरे लोगों को भी भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी अवसर पर मैं आप सभी यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों और सभी नगरवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को भगवान बुद्ध के इस जन्म उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं।